फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। साउथ दिल्ली जिला की नारकोटिक्स दस्ते की टीम ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन से। डीसीपी चंदन चौधरी ने मंगलवार की सुबह 10:50 पर मीडिया को बताया कि साउथ दिल्ली जिला की नारकोटिक्स सेल की टीम को तीन EFIR प्राप्त हुई थी, जो कि मालवीय नगर थाना क्षेत्र में तीन चोरी के मामले दर्ज हुए थे। EFIR के माध्यम से जिनकी EFIR प्राप्त हुई थी नारकोटिक्स दस्ती की टीम को, जिनकी प्राथमिक संख्या नंबर 13/23, दूसरी 32/23, तीसरी 39/23 धारा 457 और 380 के तहत EFIR दर्ज की गई थी, जो कि मालवीय नगर थाना क्षेत्र में दर्ज की गई थी, जो प्राप्त हुई नारकोटिक्स दस्ती की टीम को। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई थी ACP राजेश बमनिया के निर्देश पर इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा के नेतृत्व में। इस टीम के अंदर SI राजीव, ASI प्रकाश चंद्र, ASI रमेश, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल कुलदीप, हेड कांस्टेबल प्रवीण टोकस, हेड कांस्टेबल अर्जुन, कांस्टेबल संदीप इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने जांच चालू की और जिन जगह पर तीन घटना हुई है चोरी की, उनके आसपास के लगे तमाम CCTV फुटेज चेक किए और अपने गुप्त स्रोतों को भी तैनात किया। आखिरकार 15 जनवरी की दोपहर तीन चोरों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई के मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन के लेबर चौक के पास तीन चोर आएंगे, जो पहले भी चोरी के मामले में शामिल पाए गए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया और तीन संदिग्ध लोगों को देखा। मुखबिर ने उन पर इशारा किया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चार मोबाइल फोन बरामद किए। तीनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया। चोरी के मामलों में इन आरोपियों के पास से और भी सामान बरामद हुआ, जो कि एक सोने की महिला की अंगूठी, चोरी करते समय चोरों के कपड़े, एक बैग जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी और एक आयरन रॉड आरोपियों के पास से बरामद किए। पकड़े गए तीनों आरोपियों के नाम, पहला शेख मुन्ना पुत्र शेख मोहसिन उर्फ मुरिया निवासी BPO बेरिया PS अहमदाबाद जिला कटिहार बिहार का है, इसकी उम्र 26 साल है। दूसरा शेख मल्लू पुत्र शेख कालू उर्फ शेख हातिम निवासी ग्राम केवला BPO बेरिया PS अहमदाबाद बिहार का, इसकी उम्र 28 साल है। तीसरा शेख बुद्धू पुत्र शेख इसराइल निवासी ग्राम नसी टोला PO बेरिया PS अहमदाबाद बिहार का, इसकी उम्र 24 साल है। इन तीनों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों से की जा रही है पूछताछ।